तो चलिए बनाते हैं डिलीशियस ड्राई फ्रूट लोडेड केक। सबसे पहले दो अंडे ले लिए हैं मैंने, आधा कप के करीब करीब शक्कर ली है, एक चम्मच मैंने लिया है वनीला एसेंस। इसको अच्छे से आप पीस लीजिए ताकि शक्कर जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए, पिघल जाए। इसी के साथ मैं ले रही हूँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। एक कप मैंने मैदा लिया, बेकिंग पाउडर लिया है आधा चम्मच, बेकिंग सोडा मैंने लिया है आधा चम्मच से थोड़ा कम, पिंच ऑफ नमक ले लिया है। इसके बाद में इसको मैंने जो हमने पीसा हुआ था पेस्ट अंडा का वो ऐड किया है। इसके बाद में दो चम्मच मैंने बटर ले लिया है और चार टेबलस्पून के करीब करीब ऑयल ले लिया है। और इसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट लोडेड है तो काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें पड़ेंगे, आपको जो भी पसंद है ऐड कर सकते हैं। मैंने फ्रेश चेरीज़ भी लिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे से टिन को आप ग्रीस कर लीजिए, दो बार टैप कर लीजिए। कढ़ाई को मैंने पहले ही 10 मिनट पहले इसको गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसको आप आधे घंटे तक धीमी धीमी आँच पर, एकदम धीमी आँच पर आप कुक कीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद ड्राई फ्रूट्स थोड़े ऊपर मैंने गार्निश कर लिए हैं ताकि जो केक है बहुत ही सुंदर सा ब्यूटीफुल दिखे। देखिए 30 मिनट के बाद डिलीशियस सा केक बन के रेडी हो चुका है, एकदम पफ।